इस मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी सोच रूढ़िवादी है, जैसे ये दीक्षित परिवार। भाई लड़की तो हमें पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात हो जाए तो अच्छा है। मैं एक रिटायर्ड पोस्टमैन हूँ, देने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए ही होंगे। अगर आपको सही लगे तो बात आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो 4 लाख रुपए हमारे विवेक के लिए कम हैं, पर आपकी बेटी माया रूप रंग के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है, तो हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। बहन जी, मुंह मीठा कीजिए। माया के पापा को कहाँ पता था कि वो कौन सी आफत सिर मोड़ ले रहे हैं। वो तो इसलिए खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है। कुछ महीनों बाद माया और विवेक की शादी अच्छी तरह धूमधाम से हुई। माया के पिताजी ने 4 लाख रुपए दहेज में भी दिए। शादी के बाद शशिकला अपने बहू से सारे काम करवाती थी और खुद आराम की जिंदगी जी रही थी। माया, अरे ओ माया, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से कह रही हूँ मुझे प्यास लगी है, पानी दो। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? बेचारी माया अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। कुछ महीने बाद माया प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो एक चांद सा लल्ला चाहिए जो मेरे खानदान का नाम रोशन करे। और अगर लड़की हुई तो? जरूरी है अपनी मनहूस जुबान से मनहूसियत टपकाने की। अगर लड़की हुई तो उसे लेकर अपने बाप के घर चली जाना, समझी? माया समझ गई कि उसके ससुराल वालों को लड़का चाहिए था। वो हर समय उससे लड़का होने की प्रार्थना किया करती थी। हे भगवान, मुझे लड़का ही देना, वरना ये लोग मुझे और मेरे बच्चे को जीने नहीं देंगे। मुझ पे कृपा कीजिए भगवान। आखिर वो दिन आ गया जब माया को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। विवेक और शशिकला वहीं चिंतित खड़े थे। कुछ देर में माया के पापा भी वहां पहुंच गए। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। ये सुनकर विवेक और उसकी माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया और माया के पिताजी का दिल बैठ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? विवेक और शशिकला हॉस्पिटल से चले गए और माया के पापा अंदर गए। क्या उन्हें पता चल गया कि मुझे लड़की हुई है? हाँ, लेकिन इसमें तेरी क्या गलती है? तू रो मत, मैं उन लोगों से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। माया के पापा ने अपनी बेटी को सवारा, फिर वो अपनी बेटी के ससुराल गए और विवेक और शशिकला को समझाने लगी। बेटा विवेक, तुम तो इतने समझदार हो, लड़का या लड़की ये तो भगवान की देन है, उसमें बेचारी माया क्या कर सकती है? आप तो उसकी साइड लेंगे, पिता जो ठहरे। बहन जी, हो सकता है अगली बार आपको अपना वारिस मिल जाए। ये बात सुनकर विवेक माया के पिताजी की बात मान गया। कुछ दिनों बाद माया और उसकी बेटी अपने ससुराल लौटे। माया को फिर से सारे घर के काम अकेले देखने पड़ते थे, यहाँ तक कि जब उसकी बेटी रोती थी कोई उसे उठाकर लाड़ नहीं करता था। बेचारी माया ये सब सह रही थी। एक साल बीत गया, अब माया फिर से प्रेग्नेंट थी। ससुर जी, मैं कह देता हूँ, इस बार अगर लड़की हुई तो आप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को लेकर अपने घर चले जाना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सभी लोग नर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। ये सुनकर माया के पापा रोने लगे और विवेक और शशिकला हॉस्पिटल से चले गए। अरे वाह, लक्ष्मी पैदा हुई है। तू क्यों रो रही है पगली? तेरा पापा अभी तक जिंदा है, चल रो मत।
एक बार फिर माया के पापा ने माया को संवारा। माया के पापा माया को अपने घर ले गए। वो रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे, इसीलिए उन्हें पेंशन मिलती थी। पर अब माया की बच्चियों की भी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए वॉचमैन की जॉब ढूंढ ली। कुछ महीनों बाद, पापा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। तुझे बच्चों से फुर्सत कहाँ मिलती है? कुछ भी छोटा मोटा जिससे आपकी हेल्प हो जाए। मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैं केक्स अच्छे से बना लेती हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो हम आमदनी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? मैं केक्स बनाऊंगी और आप बेचोगे, बस। ठीक है। अगले दिन से माया ने केक्स बनाना शुरू कर दिया। माया के पापा ये केक्स स्कूल के बाहर बेचने लगे। बच्चों को ये केक्स बहुत पसंद आते। देखते ही देखते माया का बिजनेस चल पड़ा। अब उसके पापा ने अपनी दुकान खोल ली। माया अब भी केक बनाती थी, पर घर पर नहीं, अपनी बेकरी में। फिर एक दिन शशिकला माया की बेकरी पर आई। अरे वाह, तेरे बाप के पास तो बहुत पैसे आ गए। लगता है विवेक को भेजना पड़ेगा तुझे वापस बुलवाने। शौक से भेजिए, पर सासू माँ, पहले अपने बेटे का दाम बता दीजिए। मतलब आप तो यहाँ अपने बेटे को बेचने आई हैं, पर मुझे उसे खरीदने का कोई शौक नहीं है। समधी जी, देखिए आपकी बेटी क्या बोल रही है। आज पहली बार वो बिल्कुल सही बोल रही है। शशिकला के तो होश ही उड़ गए। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। ये है शर्मा परिवार, जिसकी मुखिया हैं रामदेव शर्मा। लेकिन इस घर की असली भागदौड़ तो मिसेस शर्मा के हाथ में है। अरे बहू। जी माँ जी। जी माँ जी। मैंने तुम्हें नहीं, रीमा को बुलाया। वो तो बाजार गई है सामान खरीदने। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। बाबूजी, आप भी चाय लेंगी? अब बना रही हो तो मेरे लिए भी बना ही दो। जी बाबूजी। मिसेस शर्मा के चार बेटे और चार बहुएं थीं, लेकिन उनकी इन सब पर धाक थी। हर महीने बेटों की पगार होती है, वो अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथ में दिया करते थे। बिना मिसेस शर्मा को बताए वो अपने लिए या अपनी बीवियों के लिए कुछ भी नहीं खरीदते थे। माँ, बहुत दिनों से सुनैना नई साड़ी मांग रही है, क्या इस महीने मैं उसके लिए साड़ी खरीद लूं? नहीं, तू साड़ी खरीदेगा तो तेरे भाइयों को भी मन होगा, ऐसे तो सब अपनी अपनी ही मर्जी चलाएंगे। ठीक है माँ। उस शाम मिसेस शर्मा बाजार गई और उन्होंने चार साड़ियाँ खरीद ली। बहू, नैना, सुनैना, रीमा, लता, कहाँ हो तुम सब? आए माँ जी। नैना, ये तुम्हारे लिए। रीमा, ये तुम्हारे लिए। लता, ये तुम्हारे लिए। और सुनैना बेटा, ये खास तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी है माँ जी। हाँ, कितनी सुंदर है। मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए। तुम सब जाओ और खाने की तैयारी करो। सुनैना, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अब ठीक है माँ जी। तीनों बहुएं चली गईं। सुनैना, तुम सबसे बड़ी बहू हो, मेरे बाद इस परिवार को एक रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। विक्रम ने मुझे बताया कि तुम्हें नई साड़ी चाहिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पता है क्यों? अब नहीं माँ जी। अगर आज वो तुम्हारे लिए साड़ी लाता तो कल रवि या नितिन अपनी बीवी के लिए जेवर ले आते। इस तरह घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम चारों मेरी बहुएं हो और चारों की चारों मेरे लिए समान हो, इसीलिए मैंने तुम सब के लिए साड़ी खरीदी। आज से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलो, विक्रम को नहीं, और हो सके उतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। अब
जी माँ जी। मिसेस शर्मा बड़ी प्यार से अपनी बड़ी बहू को उसकी जिम्मेदारी समझा रही थी। कुछ महीनों बाद जब रीमा का एक कार से एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मिसेस शर्मा खुद अपने हाथों से रीमा को खाना खिलाया करती थी। नैना पढ़ी लिखी थी और उसे नौकरी करनी थी और अपने पति ब्रिजेश से झगड़ रही थी। माँ, अब आप ही इसे समझाओ, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? नैना नौकरी करे, इसमें गलत ही क्या है? अगर उसका मन है तो करने दो उसे नौकरी। इस तरह मिसेस शर्मा की वजह से नैना को भी नौकरी करके अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। और लता को खाना बनाने का शौक था, इसीलिए मिसेस शर्मा ने उसे अलग अलग पकवान बनाने भी सिखाए। आज मिसेस शर्मा का 50वां जन्मदिन है। बहू, माँ जी आप बस यहाँ बैठिए, लेकिन कोई मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है? बताते हैं, बताते हैं। मिसेस शर्मा की बहू ने मिलकर उनके लिए एक दावत का आयोजन किया। हैप्पी बर्थडे टू मिसेस शर्मा। धन्यवाद, धन्यवाद। और ये तोहफा खास हम बहुओं की तरफ से हमारी प्यारी सासू माँ के लिए। वो तोहफा था मिसेस शर्मा की एक पेंटिंग जिस पे लिखा था माँ। सच बोलो तो ये हमारी सासू माँ नहीं बल्कि माँ हैं। ये सब सुनकर मिसेस शर्मा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी चारों बहुओं को गले लगाया।